अगर आपको लगता है कि साइंस ऑफ एजिंग सिर्फ एज बढ़ने से होती है, then I'm really sorry to break your heart. That's not the case. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Abha and I'm back with a yet another skincare video. Today's video is going to be on a very hot topic. Why do babies have so soft skin? And what can you do to get baby soft skin? हमें हमेशा सजेशन मिलता रहता है कि आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए हेल्दी स्किन पाने के लिए, बट बच्चे ऐसा कुछ भी अपने स्किन पर यूज नहीं करते, ना ही कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, फिर भी उनकी स्किन इतनी ज्यादा हेल्दी और इतनी ग्लोइंग और इतनी इवन कैसे होती है? बच्चों की स्किन बिल्कुल नई नई होती है, इसलिए वो इतनी रिफ्रेश्ड होती है. बट देयर माइट बी समथिंग एल्स दैट मेक्स देयर स्किन सो रेडिएंट एंड ग्लोई. लेट्स गो अ बिट डीपर टू नो हाउ इट रियली वर्क्स. हमारे स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस के पीछे होता है इलास्टिन और कोलाजन नाम के प्रोटीन्स. अब बच्चों की स्किन में ये इलास्टिन और कोलाजन बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं, और जिसकी वजह से उनकी स्किन इतनी फर्म और सॉफ्ट होती है. इसलिए हमेशा हमारा मन करता है कि हम बच्चों के गालों को पुल करें, क्योंकि उनकी स्किन इतनी ज्यादा इलास्टिक और फर्म होती है कि वो बाउंस बैक करती है और वो ढीली नहीं होती. जैसे ही हमारी एजिंग होती है, द अमाउंट ऑफ इलास्टिन एंड कोलाजन इन आवर स्किन स्टार्ट्स टू रिड्यूस, जिसकी वजह से हमारी स्किन की फर्मनेस और उसकी इलास्टिसिटी कम होती रहती है. As you can see, young skin में adequate amount of elastin और collagen होने की वजह से वो बिल्कुल intact है, लेकिन older skin में elastin और collagen की proper amount ना होने की वजह से वो loose हो चुके हैं और उसमें wrinkles आ चुके हैं. But there are ways in which you can boost your elastin and collagen production. Here's how. अपनी regular diet में इन foods को include करके आप अपने collagen का production boost कर सकते हैं. इलास्टिन और कोलाजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप राइस वाटर भी यूज कर सकते हैं. ये एक बहुत ही ज्यादा इजी, इफेक्टिव और अफोर्डेबल तरीका है. आपको थोड़ा सा चावल पानी में भिगो के रखना है और उस पानी को बाद में छान के अपने स्किन पर आप आराम से यूज कर सकते हैं. आप इससे डेली अपना फेस वॉश भी कर सकते हैं और इसे टोनर की तरह भी यूज कर सकते हैं. राइस फेस पैक बनाने के लिए आपको यूज करना है 3 टेबलस्पून कुक्ड राइस, 2 टेबलस्पून हनी और 2 टेबलस्पून वार्म मिल्क. इसका पेस्ट बनाकर आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लें और 15 मिनट्स बाद इसे प्लेन वाटर के साथ वॉश कर लें. क्या आप जानते हैं कि हर महीने हमारी डेड स्किन सेल्स की लेयर अपने आप उतर जाती है, यानी कि शेड ऑफ हो जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं डेस्क्वामेशन. अब बच्चों की स्किन में डेस्क्वामेशन का प्रोसेस हेल्दीली चलता रहता है, वो हर महीने में उनकी स्किन शेड ऑफ होती रहती है, लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती है डेस्क्वामेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की डेड स्किन सेल्स अच्छे से बाहर निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर वो स्टैक ऑन हो जाते हैं, लेयर हो जाते हैं और हमारी स्किन डल लगती है, क्योंकि डेड स्किन सेल्स बाहर नहीं आ पा रहे. जब डेस्क्वामेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है तो हम यूज करते हैं स्क्रबिंग. स्क्रबिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की मदद से अपने डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं. बच्चों को स्क्रबिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका डेस्क्वामेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से चलता है और उनका टाइम टू टाइम डेड स्किन सेल्स रिमूव होते रहते हैं. बट जरूरी नहीं है कि स्क्रब करने के लिए आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ही यूज करें. आप आराम से एट योर ओन कन्वीनियंस अपने घर पे बहुत ही इजी और इफेक्टिव DIYs यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपके डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी एक नई ग्लोई स्किन बाहर आएगी. एक बहुत ही इफेक्टिव ओट्स स्क्रब बनाने के लिए आपको लेना है 2 टेबलस्पून क्रश्ड ओट्स, 2 टेबलस्पून हनी और 3 टेबलस्पून दूध या फिर दही. इस पेस्ट को अप्लाई करने के 15 मिनट बाद आपको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है 2 से 4 मिनट के लिए और फिर प्लेन वाटर के साथ वॉश कर लेना है. हमारे हॉर्मोन्स का हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और आप जानते हैं बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादातर नहीं होता है. जैसे हम टीनेज में स्टेप ऑन करते हैं और हार्मोन्स बिकम क्रेजी एंड दे स्टार्ट इम्बैलेंसिंग लाइक एनीथिंग, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी स्किन बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है. सो फॉर हेल्दी स्किन यू हैव टू मेक श्योर दैट योर हार्मोन्स आर वेल बैलेंस्ड,
अगर आपको इस एरिया में ज्यादातर एक्ने होते हैं देन इट इज अ साइन कि आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है और स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन से भी आपके हॉर्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं. नॉट ओनली डज इट इफेक्ट योर स्किन बट ऑल्सो योर होल बॉडी, सो क्विट दैट एज सून एज पॉसिबल इफ यू डू दैट. हॉर्मोन्स बैलेंस करने के लिए हेल्दी फैट्स कंज्यूम करें जैसे कि कोकोनट ऑयल और ऑर्गेनिक बटर एंड ट्राई टू अवॉइड स्टार्च रिफाइंड ऑयल एंड शुगर. रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ हॉर्मोन बैलेंसिंग फूड खाएं एंड गेट अ गुड स्लीप लाइक अ बेबी. एक चीज हमारे हॉर्मोन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है जो कि है हमारी डाइट, व्हिच हैपेंस टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. बेबीज को हमेशा एक हेल्दी डाइट दिया जाता है जैसे कि मिल्क, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खिचड़ी, दाल, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और हमारी स्किन के लिए भी. लेकिन जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं इन सब चीजों से हमारा नाता टूट जाता है और हम खाते हैं जंक फूड, फ्राइड फूड, स्ट्रीट फूड, जिसकी वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है एंड व्हाट नॉट. I'm not saying that I never have junk food, but I try ki main kam se kam junk food khaun, and that is what you should do as well. I know it's very difficult to stay away from it, but it's not impossible. I know some people jo ki daily basis pe junk food khate hain, spring rolls, momos, kurkure, lays, that is going to affect their skin in the long run. So you have to make sure that you have a healthy diet. Agar aap junk food ka intake karte bhi hain to bahut kam amount mein kijiye aur fruits aur vegetable ka intake aapko high karna padega agar aapko junk food se hone wali problems ko cut down karna hai to. बच्चों के सॉफ्ट और प्लम्प स्किन का एक बहुत बड़ा रीजन होता है उनके स्किन का हाइड्रेशन और मॉइस्चर लेवल. बच्चों की स्किन बहुत वेल मॉइस्चराइज्ड होती है जबकि उन्हें कोई मॉइस्चराइजर लगाना भी नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी स्किन में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर वो स्किन के अंदर ही रहता है, मॉइस्चर लॉक होता है अच्छे से, इसलिए उनकी स्किन प्लम्प और हाइड्रेटेड रहती है. जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन का हाइड्रेशन लेवल कम होता जाता है. चाहे यंग एज में हमारी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, आफ्टर एजिंग हमारी स्किन हमेशा ड्राई हो जाती है क्योंकि हमारी स्किन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से ज्यादा मॉइस्चर लॉस होता है. इसीलिए हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें लेस मॉइस्चर होता है और उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं. हर सुपर मॉडल और हीरोइन का सबसे पहला यही ब्यूटी टिप होता है कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. तो वाटर ड्रिंक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ऑफकोर्स हम सब पानी पीते हैं लेकिन वी डू नॉट ड्रिंक इट एज मच एज रिक्वायर्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करें डेली. ये सिर्फ आपकी स्किन के लिए नहीं बल्कि आपकी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके डेली रूटीन में वाटर इनटेक बहुत कम है देन स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ एंड यू विल सी द विजिबल रिजल्ट्स योरसेल्फ. अपार्ट फ्रॉम वाटर इनटेक आपको अपने स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर चूज करना चाहिए और डेली अप्लाई करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि साइंस ऑफ एजिंग सिर्फ एज बढ़ने से होती है देन आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, दैट्स नॉट द केस. फोटो एजिंग यानी कि आपकी स्किन में जो डैमेज होता है ड्यू टू एक्सेस एक्सपोजर टू यूवी लाइट, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट. अब अल्ट्रावायलेट लाइट सिर्फ सन के एक्सपोजर से ही नहीं बल्कि सीएफएल के एक्सपोजर से भी हो सकता है. बेबीज ने अपनी लाइफ टाइम में इतना ज्यादा यूवी लाइट एक्सपोजर नहीं किया होता है जितना किसी एडल्ट ने किया होता है, इसीलिए एडल्ट में ज्यादा फोटो एजिंग की प्रॉब्लम होती है. फोटो एजिंग की वजह से आपको डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं, कोलाजन ब्रेकडाउन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी स्किन लूज हो सकती है, रिंकल्स पड़ सकते हैं और प्री मेच्योर एजिंग हो सकती है. पिछले साल द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक 70 इयर्स ओल्ड ट्रक ड्राइवर की पिक्चर पब्लिश की गई थी जो कि पिछले 28 सालों से ट्रक ड्राइवर हैं. तो जब भी ये ड्राइव करते थे इनके ट्रक के विंडो के थ्रू इनके फेस के लेफ्ट साइड पर ही हमेशा धूप पड़ती थी. आप खुद देख सकते हैं कि इनकी लेफ्ट साइड जहाँ डायरेक्ट धूप पड़ती थी वहाँ एजिंग के कितने ज्यादा साइंस है एज कम्पेयर टू द राइट साइड. और बस यही नहीं, इसकी वजह से स्किन कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ बाहर जाने के लिए ही नहीं लेकिन घर पे भी सनस्क्रीन यूज करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो. Subscribe to my channel and press the notification bell so that you get notified whenever I post a video.